अस्सलाम वालेकुम क्लास सो हेयर इज़ योर लेक्चर नंबर फोर चैप्टर नंबर फाइव फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर तो आज का हमारा जो टॉपिक है इज़ द डेंसिटी ऑफ गैसेस गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल तो डेंसिटी असल में थिकनेस को कहा जाता है कि, कि किसी भी मॉलिक्यूल की डेंसिटी कितनी है कि उसकी जो है वो थिकनेस कितनी है उसका वेट कितना है जैसा कि गैसेज हमें मालूम है कि लिक्विड्स और सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है इसकी दो वजह हैं एक तो ये कि गैसेज़ का जो मास है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के कंपेरेबल बहुत कम है गैसेज का मास कम है इस और दूसरी बात गैसेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंस भी होते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़रा कंबाइन किए होते हैं और एक प्रॉपर शेप के अंदर होते हैं लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस के ऊपर होते हैं और दूसरी बात कि इनका मास काफ़ी लाइटर होता है इस वजह से इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है यूनिट्स गैस डेंसिटी इज़ एक एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर जो गैसेज की डेंसिटी है इसको हम ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं वेयर एज लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज़ आर एक्सप्रेसड इन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर जबकि लिक्विड और सॉलिड्स को हम ग्राम पर सेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज़ बाई कूलिंग बिकॉज देयर वॉलीम डिक्रीज जब हम गैसेज को कूल cool करते हैं तो इनका वॉलीम डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि इनकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है जब भी किसी गैस को कूल cool करेंगे टेम्परेचर लो करेंगे तो गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो इनका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा और इसी तरह इनके साथ कम्बाइ कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट वन इस बॉयल्स ला तो बॉयल्स ला की जो डिस्कवरी थी ये सिक्सटीन सिक्सटी टू में हुई थी और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था ही वॉज़ रॉबर्ट बॉयल रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर मतलब बॉयल्स ला के अंदर हम वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को स्टडी करेंगे डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट यानी कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखें यानी हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे उसी टेम्परेचर के ऊपर जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है और जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली गैस का मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा वो ज़्यादा स्पेस घेरेंगी नेक्स्ट वन कुछ एक्सप्रेशनस हैं बॉयल्स ला के मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है वन ओवर प्रेशर कि जितना गैस का वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हम इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर दें और प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट कर दें तो वी प्रोपोर्शनल वन ओवर पी यानी यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सली जो है वो रिलेशन है जब हम दरमान में ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट है इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट के आ जाएगा इसको रिमूव करने के बाद तो वी इज़ इक्वल टू के बाई पी लिखेंगे हम हम इसको वॉल्यूम और प्रेशर को एक साइड पे रख लेते हैं और कांस्टेंट के को एक साइड पे तो हमारे पास के वी पी इज इक्वल टू के कॉन्सटेंट आ जाता है नेक्स्ट वन है इस के को हम स्टडी करेंगे कि के वैल्यू क्या है के इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यानी जो प्रोपोर्शन है जो प्रोपोर्शन का साइन होता है जब हम उसको रिमूव करेंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर हम के पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ के इज़ सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अ गिवन गैस कि कोई भी गैस है उसके लिए के जो है वो सेम रहे अकॉर्डिंग टू कलविन के बॉयल्स ला कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्सड मास ऑफ अ गैस इज कॉन्स्टेंट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि के के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर की मल्टीप्लीकेशन हमेशा के के इक्वल होगी यानी प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट रहेगी कांस्टेंट टम्परेचर के ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इसके अंदर यह है कि अगर हम पी वन वी वन को डील करते हैं इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉलीम तो वो भी K के के इक्वल है और पी टू वी टू को डील करते हैं तो वो 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 भी K के के इक्वल है तो हम सिम्पली ऐसा लिख सकते हैं कि पी वन वी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू यानी इनिशियल प्रेशर और वॉलीम इज़ इक्ल टू फाइनल प्रेशर एंड वॉलीम